सो है गाइस, स्वागत आपका एक और फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड को लेकर। इस शेयर के ऊपर आप लोग देखो कि भी काफ़ी टाइम से निवेशकों की नज़रें भी हैं कि इसमें कोई बड़ा डीप आए और हम नीचे के भाव से खरीदें। अभी 90 से जो शेयर है वो 80 रुपये के आसपास चल रहा है, घूम रहा है। और आज स्टॉक में 2% की तेज़ी भी बनी और मार्केट क्लोजिंग के बाद दो बड़ी खबरें भी आते हुए नजर आई हैं भाई। तो क्या खबरें आई हैं डिटेल में डिस्कस करेंगे, इम्पैक्ट कैसा रहेगा, जिन खबरों का इंतजार था वो खबरें आएंगी तो भी देखो अच्छा इंपैक्ट रहेगा आने वाले टाइम में। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक महंगा भी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये बात, अभी भी बोल रहा हूँ। स्मॉल कैप कंपनी है और वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा क्योंकि 105 के पी पर ट्रेड कर रहा है अभी, क्योंकि इसकी इंडस्ट्री पी से भी हाई है। प्राइस टू बुक रेशो आप लोग देखोगे इंडस्ट्री से हाई है, तो कुछ एक चीज़ है नेगेटिव यहाँ पर आपको देखनी पड़ेगी। इसके अलावा RSI MFI इसके ठीक ठाक है, कंपनी अच्छा कमा रही है, अच्छा प्रॉफिट बना रही है हर क्वार्टर के दौरान, ये सबसे अच्छी बात। और स्टॉक जो है भी आहिस्ता आहिस्ता एक अच्छी रैली के अंदर है। तो चलिए मैं आपको खबरें दिखा देता हूँ भी खबरें क्या है और उसका जो इम्पैक्ट है वो हमें कैसा देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर देखोगे भी कंपनी की तरफ से दो बड़ी खबरें बताई गई आज की डेट में। 15 तारीख को पहला नोटिस आया है जहाँ पर NSE BSE की साइट पर आप लोग इसको चेक भी कर सकते हो भी जा करके। तो यहाँ पर कंपनी ने सूचना दी है बोर्ड मीटिंग को लेकर। तो कंपनी की बोर्ड मीटिंग है 19 तारीख को सैटरडे के दिन और इसके बारे में कंपनी ने जानकारी दी है। तो यहाँ पर क्या होगा, कंपनी करने जा रही है अभी अपने क्वार्टर और या फिर हाफ ईयर एंडेड के रिजल्ट्स डिस्क्लोज। तो आप लोग देखोगे 19 तारीख को रिजल्ट आ रहे हैं कंपनी के, तैयार रहना। जैसे रिजल्ट आएंगे सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर अपडेट मिल जाएगा अभी रिजल्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं दूसरी न्यूज़ क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देखो दूसरी न्यूज़ भी हमें आज की डेट में देखने को मिली 15 तारीख को। तो कंपनी ने जो ना अभी टेक्नो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड को जो ना अभी एक्वायर कर रही है, उसके एक्विजिशन शेयर खरीद रही है और उसी से रिलेटेड जो ना अभी फर्स्ट ट्रांस जो है वो हो चुकी है भाई। यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट जो ट्रांसेज है वो हो चुकी है, अलॉटमेंट हुए अभी प्रेफरेंशियल इशू के जरिए। या फिर आप लोग देखोगे यहाँ पर जो कंपनी है लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड जो कि बायर है, सेलर कौन अभी टेक्नो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड TIPL, तो इसके द्वारा जो है अभी यहाँ पर शेयर बेचे जा रहे हैं। 66% जो होल्डिंग है उसका एक्विजिशन किया जाएगा अभी, टोटल आउटस्टैंडिंग जो इक्विटी शेयर है वो। और इसमें से आप लोग देखोगे लगभग 11% के करीब जो ना अभी एक्वायर कर लिया गया है, बाकी का भी हो जाएगा 25 करोड़ रुपए में ही होते हुए नजर आए। तो इस डील के बाद ये स्टॉक कल के दिन एक अच्छे एक्शन में, एक अच्छे मूड माहौल में हमें दिखाई दे सकते हैं। ऊपर से रिजल्ट्स की डेट भी आ चुकी है अभी 19 तारीख, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं अभी आखिरकार आगे के कैसे हो सकते हैं लेवल वगैरह। तो यहाँ पर देखोगे भी लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स काफ़ी टाइम से हमें गिरते हुए नजर आ रहा है ऊपर से, ठीक है, डाउन ट्रेंड है शेयर में। तो यहाँ से आप लोग देखोगे 72 के आसपास स्टॉक नीचे में गया, वहाँ पर हमें सपोर्ट दिखाते हुए नजर आया अभी, और सपोर्ट लेने के बाद जो शेयर फिर से ट्रेंड लाइन के आसपास आया हुआ है। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अगर ये सस्टेन करता है ऊपर में, तो यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो क्या है 84 रुपये का। ब्रेक करके सस्टेन कर गया तो पहला टारगेट रहेगा 93 का, वो लेवल ब्रेक करके सस्टेन किया तो 100 रुपये के ऊपर में स्टॉक हमें जाते हुए नजर आ सकता है। 3 डिजिट में इसकी एंट्री हो सकती है अभी फिर तो। अब आगे रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिजल्ट से पहले तो 100 रुपये तक जाने से रहा भाई, तो कल के दिन स्टॉक में जरूर तेजी बनेगी ये एक्विजिशन वगैरह जो हुआ है उसके चलते। और बाकी आप लोग देखोगे रिजल्ट आएंगे 19 तारीख को सैटरडे के दिन और उसका जो इम्पैक्ट है वो अगले ट्रेडिंग सेशन में यानी मंडे के दिन देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। अभी के टाइम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी 72 रुपये 71 पैसे का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।